हाय डियर स्टूडेंट, पुनः मैं आज उपस्थित हूँ आपके बीच क्लास BST फर्स्ट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पिछले वीडियो में हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन पे चर्चा किया था। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बताया था कितने टाइप्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आप टाइप्स भी पढ़ लिए, क्या होता है भी बता दिया गया। ठीक, कुछ हाइब्रिडाइजेशन के आप रूल जानिए, आप कंपटीशन में या आप अपने एग्ज़ाम में कैसे तुरंत आप बताएंगे, ठीक, कि इस कंपाउंड में ये हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, मेनली जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको आपको देखना है कि तुरंत तत्काल आप निकाल ले जाइए, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है जो हम लेकर के आए हुए हैं, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीसीज। ठीक, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, स्पीसीज मीन्स होता है जातियाँ, हाइब्रिडाइजेशन किसका, संकरण का। ठीक, कुछ स्पीसीजेज हैं, जातियाँ हैं जो कैटेगराइज्ड किया गया है। इसके टू मेथड हैं, मतलब हम दो विधियों द्वारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने की विधि जानेंगे। इसके अलावा और भी विधियाँ हैं, जैसे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक, इसके अलावा भी है, शायद हो सकता है ये आपको जानकारी ना हो और प्रायः ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया कि किस टाइप से आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इस टाइप से पूछा जाता है, ना कि जो हम आपको बता दिए थे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपको बताए हुए, तो वो नॉर्मली था जो आप इंटरमीडिएट में सीख करके आए हुए हैं। मान लीजिए जैसे हम पूछ लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फास्फोरस है, चूँकि ये सेंट्रल एटम्स है, ठीक, इसका आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसका, फास्फोरस का, तो ग्राउंड स्टेट में आप करते हैं, आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक, इस तरीके से आप लिखते हैं। फिर आप लिखते हैं 3p X1, 3p, 3p Y1, 3p Z1, ठीक, ये लिखते हैं। अब आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, ठीक, ऐड कर लीजिए 6 और 4, ये हो जाएंगे 10, 2, 12 हो गया, 12, फिर 13, ठीक, 14, 15, 15 हुआ। इस तरीके से ये कौन सा स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट, जी स्टेट इसको कहा जाता है, कौन सा स्टेट, जी स्टेट, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। फिर इसको क्या करते हैं, ई स्टेट, ई स्टेट का मतलब एक्साइटेड स्टेट में इसी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम कैसे आपको बता रहे हैं, आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s, अब यहाँ पे 2 था, तो एक्साइटेड में यहाँ पे सिंगल होगा, ठीक, एक्साइटेड में क्या होगा, सिंगल होगा। आगे देखिए, फिर लिखेंगे आप 3px1, 3py1, 3pz1, यहाँ तक ये था, लेकिन ये जो एक्साइटेड हुआ इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अगले कक्षक में गया, अगला कक्षक है 3d1, ठीक। अब इनको आप ऐड कर लीजिए तो देखिए 15 हुआ, अब ये एक्साइटेड स्टेट में हुआ। अब आप कैसे निर्धारित करते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा संकरण है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लास्ट में 1s हुआ, ठीक, और कितने पी कक्षक हैं, 3p कक्षक हैं, 3p कक्षक मतलब px py pz, 3p कक्षक और एक 1d कक्षक, इतने ऑर्बिटल मिले हुए हैं, एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल। अब इन सबको देख लीजिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप लिखेंगे sp3d, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो इससे आप जो है, सब टाइम भी लगता है इससे संकरण निकालने में, हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, लेकिन जो हम आपको मेथड बता रहे हैं ये सिंपल मेथड है, ठीक, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स से आप तुरंत निकाल ले जाएंगे। जनरली अगर इस तरीके पूछा जाएगा तो आपको टाइम लगता है, सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर जानेंगे कंपाउंड का, एलिमेंट का, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ग्राउंड स्टेट और फिर जो एक्साइटेड स्टेट, फिर आप देखते हैं कि कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। तो इन्हीं सब को बताने के लिए हम कुछ चीज़ें आप न्यू सीखिए। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आप जान चुके हैं sp3d
हाइब्रिडाइजेशन है जो आप इंटरमीडिएट में इस तरीके से सीख करके आए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ आपसे नहीं पूछा जाता है। आपसे बीएससी पार्ट वन में या बीएससी पार्ट टू में या और आगे आप कंपटीशन में देंगे तो ये जनरली ये सामान्यता नहीं पूछा जाता है। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जैसे एसेटलीन या एथिलीन, जैसे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 या दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तब आप कैसे निकालेंगे, जब उसको बॉन्ड में जोड़ करके दे देगा किसी एलिमेंट को किसी कंपाउंड को, तब प्रॉब्लम होगी। उन्हीं सबको बताने के लिए ये न्यू हेडिंग हम लाए हुए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीसीज। इसके दो मेथड हैं। सो सबसे पहले आप फर्स्ट मेथड जानिए। फर्स्ट मेथड क्या है, हम राइट किए हुए हैं कि दीज स्पीसीज कैन बी नोन बाई टू मेथड। मतलब इस प्रकार के जो अनेक प्रकार की जो स्पीसीजेज हैं, मतलब डिफर जो हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं किसी कंपाउंड में, दो मेथड है इसके। फर्स्ट मेथड आप जानेंगे, लिखा गया कि इन दिस मेथड, क्या लिखा गया है, इन दिस मेथड हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण कैन बी नोन बाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। लिखा गया नोन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड की संख्या पे आप बताएंगे। फर्स्ट मेथड बताया गया कि इस मेथड में जो संकरण होता है कैन बी नोन बाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का जो संख्या होगा उसके आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ, ठीक। प्रेजेंट ऑन दैट पार्टिकुलर एटम, उस एटम में प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड की संख्या। अब देखिए रूल क्या है, एक तरफ हम टेबल बना दिए, लिख दिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक। दूसरी तरफ लिख दिया गया टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या यदि जीरो होगा, ठीक, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ये आपको रिमेम्बरिंग करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि यदि किसी कंपाउंड में किसी यौगिक में पाई बॉन्ड की संख्या यदि जीरो है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यदि किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड की संख्या वन है, लिखा गया ओ यानी वन, ब्रैकेट में वन भी लिख दिया गया, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अगला रूल है, यदि किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड की संख्या टू हुआ, टू का मतलब दो, लिखा भी गया है टू, अंक में भी है वर्ड में भी है, यदि पाई बॉन्ड की संख्या टू है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पिछले साल भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आप रूल याद नहीं करेंगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता पाएंगे। वो आप जो इंटरमीडिएट में सीखे उसको सीखे रहिए, बट कुछ न्यू चीज़ें सीखिए, ये आपको नहीं जानकारी होगा, ये आप जानिए जो हम बता रहे हैं, यही रूल है। सबसे पहले आप इसको बैठा लीजिए अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में, यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या जीरो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तुरंत बताइए sp3, ठीक। यदि वन है पाई बॉन्ड की संख्या तो आप बताइएगा sp2, यदि टू है पाई बॉन्ड की संख्या तो आप बताइए sp हाइब्रिडाइजेशन। फॉर द एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम राइट किए हुए हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C कार्बन, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन हुआ, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब ऐसे कंपाउंड दे देगा एग्जाम में और पूछेगा इनमें से जितने कार्बन हैं इस कार्बन पे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप फिर कैसे निकालेंगे। देखिए हम आपको बता रहे हैं इसी रूल के अनुसार बताएंगे, जो रूल है बस यही इतना आपको याद करना है, ठीक। लिखा गया CH3, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। सबसे पहले आप सर्च करिए, खोज करिए कि क्या क्या खोज करेंगे, पाई बॉन्ड लिखा गया है, सबसे पहले ही खोज करेंगे पाई बॉन्ड, चूंकि ये रूल मेथड बताया गया है, कैन बी नोन बाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट ऑन द पार्टिकुलर एटम, उस एटम में क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड्स, ठीक। तो लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH के बीच हम देख रहे हैं इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो तुरंत आप लिखिए इसके नीचे क्या, sp3, मतलब CH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3।
फिर आगे देखिए, ये देखिए कार्बन है सी एच, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सी एच लिखा गया। अब सी एच डबल बॉन्ड, सी एच के इस सी एच और इस सी एच के बीच डबल बॉन्ड है, अर्थात मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो यदि डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड है क्योंकि एक पाई बॉन्ड होगा एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये आपको जानकारी है। तो यदि वन पाई बॉन्ड मिल रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। तो ch में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2। इस ch में भी चूंकि यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2। आगे चलिए, फिर देखिए सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है लेकिन कार्बन के अबव, कार्बन के ऊपर दिखाई दे रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको मिल रहा है तो इस कार्बन अर्थात यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हुआ तो इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp2। फिर देखिए सिंगल बॉन्ड ch3 है, अब इस कार्बन से यहाँ देख रहे हैं कोई पाई बॉन्ड नहीं है, जब कोई पाई बॉन्ड नहीं है अर्थात जीरो है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ओके, ये आपको समझ में आया होगा चूंकि आप, क्योंकि आपके परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सामान्यतः जनरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन लेवल का होता है, ठीक। आपको आगे हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। सेकंड एग्जांपल में देखिए लिखा गया है सी एच टू डबल बॉन्ड सी, कार्बन है डबल बॉन्ड सी एच टू। अब इसमें आपको निकालना कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, तो सबसे पहले आप खोजिए, तुरंत खोजिए कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी है अर्थात एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, एक पाई बॉन्ड होगा तो आपको पता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें? sp2 हुआ। ओके, फिर देखिए एक कार्बन है सेंट्रल में, इस कार्बन से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, इधर भी एक पाई बॉन्ड, ठीक, अर्थात इस कार्बन से डबल पाई बॉन्ड मिल रहा है, कितने डबल पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। तो यदि टू पाई बॉन्ड हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। चूंकि ये कार्बन सेंट्रल में है, इसके इधर भी एक पाई बॉन्ड है और इसके इधर भी एक पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, फिर देखिए डबल बॉन्ड ch2, मतलब इस कार्बन से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मिल रहा है, वन पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसमें? sp2। ओके, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखिए, पुनः प्रैक्टिस हम करा दे रहे हैं। लिखा गया सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसमें पूछ लिया गया कि आपसे, आप बताइए कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप शांतिपूर्वक जो रूल है बस इसी रूल को बैठा लीजिए, ठीक। सबसे पहले आप खोजिए कि पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है इस कंपाउंड में। देखिए हम खोज रहे हैं सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं, तो कोई पाई बॉन्ड नहीं तो sp3। यहाँ पे देखिए, आप देखिए इस सी एच और इस सी एच के बीच में एक पाई बॉन्ड है, ठीक। तो इन दोनों में, इन दोनों में क्या होगा? sp2 होगा, चूंकि वन है तो sp2, तो आप देखेंगे sp2 हुआ, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ओके, फिर आगे देखिए सिंगल बॉन्ड ch2, ठीक। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड c है, अब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, CH2 के ना तो इधर भी है ना तो इधर भी है, सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा होगा? चूंकि जीरो है, जीरो है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, फिर कार्बन, कार्बन है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड अर्थात वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड हुए, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड है, वन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड है, टू पाई बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पे? sp, ठीक, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए चौथा एग्जाम्पल लिखा गया है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें पूछ लिया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप कैसे बताएंगे? चूंकि यहाँ पे वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड है, वन सिग्मा और
दो पाइबांड, अगर दो पाइबांड हैं मिल रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों में sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp और इसमें भी sp, ये भी समझ में आ गया। आगे देखिए लास्टली पांचवा एग्जांपल जो हम आपको दिखा दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, लिखा गया सी एच टू डबल बांड सी डबल बांड ओ, इसमें पूछ लिया गया। अब यहाँ पे सी एच टू डबल बांड सी, तो इसके बिटवीन वन पाई बांड है, वन पाई बांड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखेंगे तो ये सेंट्रल में पड़ रहा है, इसके उधर कार्बन नहीं है, लेकिन इस कार्बन को देखने तो इस कार्बन से डबल बांड इधर भी है और इधर भी है, ठीक, अर्थात दो पाई बांड है इस कार्बन के पास, दो पाई बांड, क्योंकि इधर भी एक पाई बांड, इधर भी एक पाई बांड, दो पाई बांड है, तो दो पाई बांड अगर मिल रहे हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एसपी हुआ। ओके, अगर ऑक्सीजन में भी देखना चाहते हैं, वैसे जनरली इसी में कार्बन में ही पूछा जाता है, ऑक्सीजन में पूछेगा चूंकि ये निगेटिव होता है, इसका रूल अभी हम आपको बता रहे हैं जस्ट, ठीक है, इतना तो आपको जानकारी हो गया होगा, इसको आप नोट बना लीजिए, फिर तुरंत हम अगला रूल, चूंकि फर्स्ट मेथड आप जान चुके हैं, सेकंड मेथड जस्ट तुरंत हम आपको बता रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए, अभी हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, सेकंड मेथड तुरंत हम बता रहे हैं आपको, जिसको आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आपको अभी हम फर्स्ट मेथड बताए थे, सेकंड मेथड आप देखेंगे, सेकंड मेथड है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड का जो फार्मूला होता है ई पी इज इक्वल टू बी पी प्लस एल पी। ई पी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर, प्लस एल पी मीन्स होता है, ये प्लस लिखा गया है, प्लस एल पी मीन्स होता है लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये फार्मूला। इसी फार्मूले से इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या निकाली जाती है, बॉन्ड पेयर की संख्या निकाल सकते हैं, लोन पेयर की संख्या निकाल सकते हैं, इसी को पक्षांतर करके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बताया गया वेयर ई पी क्या है, ई पी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, फिर एल पी इज इक्वल टू क्या होगा, एल पी इज इक्वल टू होगा लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। तो ये हुआ सेकेंड मेथड का जो फार्मूला, ई पी इज इक्वल टू बी पी प्लस एल पी। बताया गया कि ई पी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बी पी क्या है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, एल पी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप को सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन अर्थात रूल आपको ये जानना, इस टाइप से भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ के अंतर्गत बताया गया डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर, किसके आधार पे, बॉन्ड पेयर के आधार पे। बॉन्ड का मतलब बंध होता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, युग्म, किसका युग्म, बंधों का युग्म। डिटर्मिनेशन आप करेंगे, अंतर दिखाएंगे, कैसे कैसे आप पहचानेंगे कि इस कंपाउंड में इतने बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। देखिए कुछ कंपाउंड हम बताए हुए हैं, तो सबसे पहले आप फार्मूला जानेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम ऑफ द स्पीसी। कोई भी कंपाउंड होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की संख्या जानने के लिए सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किसमें, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम से कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, मतलब जुड़े हैं, ठीक, तब आप बता सकेंगे दी स्पीसीज, ठीक। देखिए पहला हम कंपाउंड लिखे हुए हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको बताना है कि बॉन्ड पेयर कैसे आप जानेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करिए सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है,
तो कार्बन ही होगा सेंट्रल एटम, क्योंकि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू का जब डायग्राम बनाएंगे तो इसी टाइप से आप डायग्राम बनाएंगे। कार्बन को लेंगे आप, हाइड्रोजन दो इस कार्बन से जोड़ेंगे, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे और दोनों कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा। अब सबसे पहले आप देखिए तो ये सेंट्रल एटम हो गया, चाहे इसको आप मानिए चाहे इसको आप मानिए सेंट्रल एटम, ठीक किसी को भी मान सकते हैं, दोनों सेंट्रल एटम है तो मेनली एक ही को मानना पड़ेगा सेंट्रल एटम, क्योंकि दो कार्बन है और इसमें फोर हाइड्रोजन है। इसको आप शॉर्ट कर लिखते हैं C2H4, क्या लिखते हैं C2H4, यही कंपाउंड है जो इस रूप में लिखा गया है। बॉन्ड पेयर कैसे आप निकालेंगे, देखिए फर्स्ट एटम जो पहला हाइड्रोजन है इसको फर्स्ट एटम बताया गया, दूसरा हाइड्रोजन ये सेकंड एटम, इधर देखिए इस कार्बन से जुड़ा है ये हाइड्रोजन तो ये थर्ड एटम हुआ, इसी कार्बन से ये भी जुड़ा है तो बॉन्ड पेयर की संख्या जो हुई इस कार्बन में, मतलब ये सेंट्रल कार्बन है इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या 3 हुआ, क्योंकि 1, 2 और 3 तीन बॉन्ड पेयर हुए। लाइक इसी तरीके से देखिए लिखा गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें बॉन्ड पेयर पूछा जा रहा है तो इधर भी देखिए एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन, पेयर कब होगा जब जोड़े में मिलेंगे तब पेयर होगा, युग्म होगा तो वन हाइड्रोजन है, सिंगल से काम चलेगा नहीं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें दो है तो अर्थात एक पेयर हमको मिला, एक जोड़ा मिल गया, ठीक। फिर कार्बन देखिए आप, कार्बन भी दो हैं तो इस तरीके से आप बताएंगे, और ये सेंट्रल एटम है ठीक, इस तरीके से आप बताएंगे दो हाइड्रोजन दो कार्बन तो यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हुई 2 हुई, 2 हुआ। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दे दें, ये तो सब क्या था ओपन टाइप का स्ट्रक्चर था, बट क्लोज टाइप का स्ट्रक्चर दे देगा, लाइक जैसे बेंजीन का डायग्राम बनाया गया है। अब इस बेंजीन के डायग्राम में पूछा जा रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, तो ये जो अल्टरनेट क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड अंदर लगे हुए हैं बेंजीन के अंदर, तो इस ये नंबरिंग करिएगा कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर थर्ड पेयर, तो इस तरीके भी इसमें कितने होंगे बॉन्ड पेयर की संख्या, बॉन्ड पेयर की संख्या इसमें भी 3 हुआ, किसमें इस बेंजीन में, ठीक ओके। तो आप बॉन्ड पेयर भी निकालना जानते हो, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला था EP = BP + LP, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो आप बॉन्ड पेयर निकाल लिए। अब आपको जानना है LP कैसे निकलेगा, जब ये दोनों आप जान जाएंगे तो EP आप निकाल ले जाएंगे। देखिए लोन पेयर निकालने के लिए भी उसका आप पहले जानिए रूल, लिखा गया हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके रूल्स 2 पार्ट हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इफ कार्बन हैज पाई बॉन्ड और अथवा पॉजिटिव चार्ज और अथवा ओड इलेक्ट्रॉन, ओड का मतलब विषम, ठीक, देन तब लोन पेयर मतलब LP ऑन कार्बन, किस पर, कार्बन एटम्स पर विल बी क्या होगा, 0 होगा। नहीं समझ में आया, पुनः सुनिए, देखिए हम अपने हिंदी में बताते हैं, कोई कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में कार्बन की चेन होगी, यदि कार्बन एटम्स पर सबसे पहले बताया गया, देखिए इफ कार्बन हैज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आप देखिए जैसे लिखा जाता है CH CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये आप आइडेंटिफिकेशन कर लिए। फिर यदि दिया गया कि पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए इस कार्बन पे हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, दूसरा आर अथवा ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड का मतलब कोई विषम हो, यहीं पे कोई N आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए तो विषम हो जाएगा, ठीक, देन या पिरिडीन होता है, थायोफिन होता है, पाइरोल होता है, सब ऑड इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आते हैं, देन LP तब लोन पेयर का होगा ऑन कार्बन विल बी 0, तब उस कार्बन का जो लोन पेयर होगा वो 0 होगा, पहला रूल था ये डिटरमिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड रूल देखिए, इफ कार्बन हैज निगेटिव चार्ज, यदि कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो, मतलब कार्बन जो कंपाउंड दिया रहता है चेन में, यदि कार्बन एटम्स पर निगेटिव चार्ज हो तो देन LP मतलब लोन पेयर विल बी इक्वल टू 1, तब लोन पेयर की संख्या क्या होगी, 1 होगा। दो रूल है इसमें, यदि कार्बन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, फिर बताया गया तब लोन पेयर क्या होगा, विल बी कार्बन पर 0 होगा, यदि कार्बन एटम्स पर निगेटिव चार्ज हो
तो लोन पेयर विल बी इक्वल टू वन, तब लोन पेयर की संख्या क्या होगी, वन होगी। लाइक कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू, यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर हम लिख देते हैं सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आप बॉन्ड पेयर तो आप बता ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन है। अगर हम हाइड्रोजन में पूछते कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, क्योंकि 5 हाइड्रोजन है तो पेयर कितने का बनेगा, 4 का बनेगा। तो दो मिल गए हमको बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन में, और यहाँ पे कार्बन भी 2 हैं, ठीक। तो कार्बन में भी कितने हो गए, वहाँ पे भी हमको मिल गए 1, ठीक। तो 2+1 बॉन्ड पेयर इसमें कितना हुआ, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू पर पॉजिटिव है, बॉन्ड पेयर हमको मिला 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन हुए। हाइड्रोजन का यदि हम पेयर बनाते हैं तो दो का पेयर बनेगा, 1 का पेयर नहीं बनेगा। तो 2 पेयर हाइड्रोजन में मिल गए, 1 पेयर कार्बन में मिल गया, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो बॉन्ड पेयर टोटल इसमें कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब आपको पता लगाना है कि लोन पेयर कितने होते हैं। रूल अभी बताया गया कि इफ़ कार्बन हैज़ पॉई बॉन्ड आर पॉजिटिव चार्ज, यदि कार्बन एटम्स पर पॉई बॉन्ड हो, पॉई बॉन्ड तो है नहीं उसमें, ठीक, आर पॉजिटिव चार्ज हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो देन लोन पेयर विल बी क्या होगा, 0 हो गया। तो इस कार्बन पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो इसका लोन पेयर क्या हो गया, इसका लोन पेयर 0 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। अब आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना पूछ रहा है, तो ई पी क्या होगा, ई पी रूल है, ई पी इज इक्वल टू बी पी प्लस एल पी। तो यहाँ पे देखिए बी पी लिखा गया 3, मतलब बॉन्ड पेयर 3 है, एल पी क्या है, लोन पेयर 0 है, ये भी आप निकालनी है। तो ई पी क्या होगा, ई पी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों को ऐड कर लीजिए कितना होगा, 3 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तुरंत आप बताइए कि संख्या 3 है, 3 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एस पी तो होगा नहीं, एस पी 2 होगा, क्योंकि 2+1 3 ऑर्बिटल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर 3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे आपको बताना है। ये लोन पेयर के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन था। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा गया है नेगेटिव का बता देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया गया, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें सबसे पहले आप बॉन्ड पेयर निकालिए कि बॉन्ड पेयर इसमें क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर आप तुरंत बताइए कि इस कंपाउंड में बॉन्ड पेयर होगा 3, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 कार्बन है और यहाँ पे देखिए 3 3 6 और 1 हाइड्रोजन 7 है, ठीक, 3 3 बन रहे हैं, तो अर्थात बॉन्ड पेयर की समान संख्या जो है इक्वल है, समान है, चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन बढ़ भी रहा है लेकिन वो बॉन्ड पेयर में नहीं हो रहा है, ठीक। तो 3 हुए बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर आप देखिए, लोन पेयर क्या होगा, कार्बन पे तुरंत आप पकड़िए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जब चार्ज है तो क्या होगा, अभी बताया गया सेकंड रूल इसका, इफ कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज देन लोन पेयर विल बी इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया। ई पी निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 हो गया। तो इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आए, तो 4 अगर हो रहा है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, 4 है तो तुरंत आप बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें चूंकि 4 है संख्या, तो 3 p ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल मिलेंगे, तो 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये रूल था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये रूल आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड के आधार पे, एक मेथड अभी अभी आप जाने हुए हैं। एक मेथड हम और हाइब्रिडाइजेशन का बताएंगे, वो भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुछ कंपाउंड दे देंगे उनके साथ ऑक्सीजन कंपाउंड रहेगा, तब उसमें आप कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, न्यू लेक्चर के साथ न्यू डे पुनः हम आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक्स।